हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं एक बार फिर से आपके सामने आया हूँ एक नया वीडियो लेकर। आज का जो वीडियो है ये बहुत ही इमोशनल कर देने वाला ये वीडियो है। बस आप इस वीडियो पे बने रहें और वीडियो पूरी उम्मीद के साथ बता रहा हूँ कि आपको अच्छा लगेगा। वीडियो का जो स्टोरी है वो माँ से रिलेटेड है। माँ वर्ड ऐसा है कि माँ मुँह से निकलने के बाद सीधा हमारे दिल पर लगता है और माँ हमें बोलना भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा उस माँ को माँ सुनना अच्छा लगता है जब उसका बेटा उसे माँ कहकर बुलाता है। तो मैं बहरहाल कुछ बताने से पहले सबसे पहले आपको अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम जाहिद जदरान है, मैं उत्तर प्रदेश ज़िला बलरामपुर का रहने वाला हूँ। पिछले कई सालों से मैं मुंबई में रहता हूँ और मुझे जब भी मौका मिलता है मैं गाँव जाता हूँ। गाँव पर टहलना घूमना बहुत ही अच्छा लगता है और गाँव से जब निकलो यार तो जो दर्द होता है, जो फीलिंग मतलब जो तकलीफ़ होती है अंदर हमारे, वो बहुत ही ज़्यादा होती है। शायद मैं उसे लफ्ज़ों में ना बता पाऊँ। जो वीडियो देख रहे हैं मेरा, बहुत से लोग ऐसे हैं, ज़्यादातर लोग ऐसे ही होंगे कि जो घर से दूर किसी न किसी शहर में होंगे। आदमी मजबूरन घर से निकलता है, कुछ ज़रूरतें होती हैं, कुछ ख्वाहिशें होती हैं, कुछ सपने होते हैं, उसको लेकर घर से निकलना पड़ता है, वरना घर छोड़ना किसी को अच्छा नहीं लगता है। घर से जब निकलो तो दोस्तों की बहुत याद आती है, घर वालों की बहुत याद आती है, गाँव की बहुत याद आती है, और सबसे ज़्यादा अगर किसी की याद आती है तो वो आती है माँ की। और आपकी उम्र मायने नहीं रखती कि आप किस उम्र के हैं, आप माँ की याद ऐसी होती है कि आपको हर उम्र में रुला देती है। मैं अपना बता रहा हूँ, मैं जब घर से निकलने लगा तो मेरी माँ गेट पे आई और रोने लगी, उनकी आंखों में आंसू था। और मुझसे लेकिन उन्होंने एक बात कहा कि बेटा, जो तुम काम कर रहे हो, लोगों की मदद करने वाली है, हमेशा हमेशा करते रहना और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा करते रहना। और मेरा हौसला जो है मैं बता नहीं सकता हूँ, बहुत ही ज़्यादा बड़ा हुआ। इंशाल्लाह हमेशा ये सिलसिला मेरा जारी रहेगा, लोगों की मदद करने वाली। वीडियो का जो असली स्टोरी है वो शुरू होता है यहाँ से, लेकिन एक वजह और मैं पहले बता दूँ आपको। जो मेरा यूट्यूब का चैनल है उसका मोनिटाइजेशन ऑफ हो गया है कुछ दिक्कतों की वजह से, ये महीने बाद वो चालू हो जाएगा। लेकिन यूट्यूब गाइडलाइन की तरफ से है कि अपनी कुछ वीडियो बनाओ अपनी फेस और अपनी वॉइस के साथ, उसके बाद वो चालू करेगा। तो इस वजह से भी कह सकते हैं सामने आया हूँ, लेकिन जो स्टोरी मैं लेकर आया हूँ माँ से रिलेटेड, ये बहुत ही इमोशनल कर देने वाला स्टोरी। तो ये जो इसका असली स्टोरी था जो शुरू होता है यहाँ से, तो मैं तकरीबन 7-8 साल पहले की बात है, मुंबई में था और उस वक्त मैं फेसबुक बहुत यूज किया करता था। फेसबुक पे शेर व शायरी बहुत करता था, यही। और शायरी ऐसी रहती थी, माँ बाप भाई बहन दोस्तों दोस्त गरीबी, इसी सब टॉपिक का शायरी रहता था। बाकी एक दिन मैं होटल में खाना खाने के बाद निकला तो मुझे एक ऐसी शायरी मिली जो मुझे हिला कर रख दिया अंदर से। उससे जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मैं पढ़ते पढ़ते गया तो मेरे आँख से आंसू निकलने लगे और मैं घर पर आकर बहुत रोया। शायरी जो थी वो मेरी माँ से रिलेटेड था, उसमें एक एक अल्फाज ऐसा मुझे लगा कि जो शायरी लिखा गया है वो मेरे माँ के ऊपर ही लिखा गया है। लेकिन सिर्फ मेरी माँ नहीं बल्कि दुनिया में ऐसी बहुत सारी बेशुमार माएँ हैं जिन पर यह शायरी मैच करता है। तो वो शायरी ये था, तो मैंने सोचा कि मैं अपनी माँ को यह शायरी सुनाऊंगा। मैंने कॉल किया अपनी माँ को और माँ से कहा कि अम्मी जान, मैं आपको एक शायरी सुनाना चाहता हूँ। तो हंसने लगी, क्योंकि माँ से मैंने कभी शेर व शायरी की फ़ोन पर बात नहीं की थी। तो हंसने लगी, तो लेकिन माँ माँ होती है, वो कैसे अपने बच्चों की कोई भी बात इनकार नहीं करती। तो उन्होंने कहा ठीक है बेटा सुनाओ कौन सी शायरी है। तो मैंने माँ को शायरी सुनाना शुरू किया, आप भी सुनिए और ये जो शायरी आप सुनिए तो समझ के कि ये मेरी ज़िंदगी से एकदम रिलेटेड था और हो सकता है कि आपकी भी ज़िंदगी से रिलेटेड हो। तो मैंने शायरी सुनाना शुरू किया। शायरी ये था कि मौत की आगोश में जब जाके सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर रजा थोड़ा सुकून पाती है माँ, और फिक्र में बच्चों के कुछ इस तरह घुल जाती है माँ कि नौजवान होते हुए बूढ़ी नज़र आती है माँ, और हड्डियों का रास पिलाकर अपने दिल के चैन को जाने कितनी रात खाली पेट सो जाती है माँ, और भूखा रहने ही नहीं देती यतीमों को कभी, जाने किससे और कहाँ से मांग कर लाती है माँ, और भूख से मजबूर होकर मेहमा के सामने मांगता है जब बच्चा रोटी तो कितना शर्माती है माँ, जब खिलौने के लिए मचलता है कोई गुर्बत का फूल, आंसुओं के साथ पे बच्चों को बहलाती है माँ, और मांगती ही नहीं कुछ अपने लिए अल्लाह से, अपने बच्चों के लिए अपना दामन फैलाती है माँ, और पहले सबको खिलाती है सुकून चैन से, बाद में जो कुछ बचा शौक से खा जाती है माँ, और सामने बच्चों के खुश रहती है और हाल में रात को लेकिन छुप छुप कर आंसू बहाती है माँ, और देख बीमार बच्चे को दुआएं और दवा, देख बीमार बच्चे को दुआएं और दवा, सर सिरहाने रखकर कदमों में सो जाती है माँ, और घर जमा बेटी हो घर में और कोई रिश्ता ना हो, एक नए एहसास के सूली पे भी चढ़ जाती है माँ, और जब कोई बेटा घर से निकलता है परदेश को, पीछे पीछे सर झुकाकर दूर तक जाती है माँ, और कांपती आवाज़ से कहती है बेटा अलविदा, सामने जब तक रहो हाथों को लहराती है माँ, और प्यार कहते हैं किसे और ममता क्या चीज़ है, कोई उन बच्चों से पूछे जिनकी मर जाती है माँ, और ज़िंदगी के सफ़र में गर्दिशों के धूप में जब कोई साया नहीं मिलता तो याद आती है माँ, और चाहे हम खुशियों में उसको भूल जाएं दोस्तों,
चाहे हम खुशियों में उसको भूल जाएं दोस्तों, जब मुसीबत आती है तो याद आती है माँ, और दूर हो जाती है सारी उम्र की उस वक्त थकान, ब्याह कर बेटे को जब घर में बहू लाती है माँ, और छीन लेती है वही अक्सर सुकून है ज़िंदगी, प्यार से दुल्हन बनाकर जिसको घर लाती है माँ, और फेर लेते हैं निगाहें जब अपने घर में बेटा और बहू अजनबी अपने ही घर में एक रोज़ बन जाती है माँ, और जब तो देखिए कितनी बेरुख के बावजूद जब ओ माँ प्यारी माँ, जब तो देखिए कितनी बेरुखी के बावजूद बददुआ देती ना हरगिज पछताती है माँ, और ऐसा कर्ज है जिससे हम अदा हो ही नहीं सकते, मरते मरते भी जीने की दुआ दे जाती है माँ, कि मौत की आगोश में जब जाके सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर रजा थोड़ा सुकून पाती है माँ। तो जब मैंने अपनी माँ को यह शायरी सुनाया तो 3-4 मरतबा हेलो हेलो कहा, फिर वहाँ से कोई आवाज़ नहीं आई। फिर थोड़े टाइम बाद जैसे ही छोटे बच्चे कराहते हैं रोते हैं उस तरह की एक आवाज़ आई जो मुझे एकदम हिला कर रख दिया, और मैं वो आवाज़ को बर्दाश्त न कर सका और फ़ोन को रख दिया, क्योंकि मेरी माँ ने बहुत ही मुसीबतों का सामना किया है, जिस तरह से कैसे कैसे पाला है हमको ये सिर्फ वही बता सकती हैं। तो बस बताना ये मेरे दोस्तों कि अगर आपकी माँ इस दुनिया में नहीं है तो उनके लिए दुआ करें, उनकी मगफ़रत की दुआ करें और उनकी कब्र पर जाया करें, और अगर आपकी माँ इस दुनिया में है हयात में है तो उनकी खिदमत करें, उनका रिस्पेक्ट करें, इज्जत करें, क्योंकि माँ वो शख्स है, माँ वो शख्सियत है कि जो एक गुनहगार औलाद को जहन्नम से बचा लेती है, माँ वो है जो मौत की मुँह में जाकर ज़िंदगी को जन्म देती है। का मर्तबा अगर मैं पूरी ज़िंदगी यहाँ पर बयान करता रहूँ तो कभी ख़त्म नहीं होगा। और कुछ लोग तो दुनिया में ऐसे हैं जो बोलते हैं कि हमारी माँ से नहीं जमता इसलिए हम माँ से अलग हो गए, माँ से उनकी दुश्मनी चलती है, माँ से उनका बगावत चलता है, वो माँ से एकदम अलग हो के अलग रहते हैं और माँ से बात तक नहीं करते। सोचिए कितनी ही बदनसीब वो लोग हैं जो माँ से दुश्मनी कर बैठे हैं। माँ आपकी नाराज़ हो सकती है, माँ आपकी गुस्सा हो सकती है, लेकिन कभी ज़िंदगी में माँ आपसे नफरत नहीं कर सकती है। माँ का दिल इतना बड़ा होता है कि तुम समझ नहीं सकते। और दुनिया में आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर चले जाइए, किसी भी जगह चले जाइए, आपको अगर कोई रिश्ता लगाता या प्यार करता है आपसे तो आप सीरत या सूरत देखकर, लेकिन दुनिया में एक जात ऐसी भी जिसे हम माँ कहते हैं, वो प्यार करने के लिए अपने बच्चों की ना सीरत देखती है ना कभी सूरत देखती है। बच्चा उसका काला हो, गोरा हो, मोटा हो, पतला हो, गरीब हो, अमीर हो, जाहिल हो, अनपढ़ हो, पढ़ा लिखा हो या पागल हो, मतलब कैसा भी हो, कितना भी बदतर हो, चोर हो, बदमाश हो, कैसा भी हो, लेकिन प्यार माँ हमेशा अपने बच्चों को बराबर करती है। उसके प्यार में कोई भेदभाव नहीं होता है, बहुत पाक और साफ उसका प्यार होता है। उस माँ से आप दुश्मनी मत कीजिए, उस माँ से आप लड़िए मत, उस माँ से आप ऊंची आवाज़ में मत बात कीजिए। और मैं कोई मेरे दोस्त में आलिम या कारी या पंडित या पुजारी नहीं जो आपको लेक्चर दूँ इस बारे में और बताऊँ सीधे राह पर चलने के, आपको बेहतर पता होगा, लेकिन एक इतना मुझे भी पता है कि एक माँ को नाराज़ करने वाला आदमी कभी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकता है, माँ को दुख देने वाला आदमी कभी ज़िंदगी में खुश नहीं रह सकता है। और माँ के बारे में अगर मैं कितना भी बयान करूँ वो कम है, और बस मेरा वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। और अगर आपको वीडियो वाकई में सच में अगर अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ एक कमेंट कर देना, और हो सके तो वीडियो को शेयर कर देना। वीडियो देखने के लिए बहुत 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 शुक्रिया आपका, और मिलूँगा आपसे इंशाल्लाह बहुत जल्दी अगले वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनी माँ का ख्याल रखें, मिलूँगा मैं आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।